ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ମୁକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ, ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ପରିଭାଷା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନରେ ପୁରା ରହିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍, ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିଛି ଆମ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ସେପଟେ ଯେଉଁ 5 ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି, କିଏ କହୁଛି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେନି, ଆଉ କିଏ କହୁଛି କି ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଚଳିବ। ଶୁଣିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଶୁଣିବା ଜେନେରାଲ ଭିକେ ସିଂ ଯିଏକି ରହିଥିଲେ, ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଅପରେସନ ସମୟରେ, ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। एक एक करके बात होगी, ठीक है। भाई मेरे थोड़ी देर रुक जाए यार, पहले बता रहे हैं आपको, उसके बाद बात करिए। सबसे शांत हो जाओ भाई, मैं आप लोगों को क्या है, अरे मोबाइल वाले मोबाइल हटाओ, अरे यार यार थोड़ा डाउन करना कैमरा, पीछे उधर क्या करोगे। पहले तो बाबा भोकनाथ जी को नमन करता हूँ, भैया भी ऐसा करता कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबको, सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम उन जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी, मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहां पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।